नाजरीन, अब मैं आपको नहर फरात की जानिब ले जा रहा हूँ, जो करबला से बैनुल हरमैन से रोज़ा इमाम हुसैन, रोज़ा मौला अब्बास से थोड़ी दूरी पर है। ये गेट है नहर फरात पे जाने का, और देख सकते हैं कितने ज़ायरीन यहाँ पर आए हैं, कितने ज़ायरीन नहर फरात पर ज़ियारत कर रहे हैं। ये नहर फरात है, करबला से थोड़े फासले पर है बैनुल हरमैन से, और मैं मौजीद अब्बास ज़ैदी आपको ज़ियारत करा रहा हूँ। और इस नहर फरात में डक डकलिन आप देख सकते हैं, बत्तखें, मतलब कितने खुश नसीब हैं यहाँ की बत्तखें भी, और ये सब ईरानी लोग आप देख सकते हैं। ये मौजिस टीवी पे वीडियो आपको दिखाई जाएगी। ये ब्रिज बना रखा है, और ये मुकाम इमाम ज़माना, यहाँ की हम ज़ियारत कर चुके हैं, तो यहाँ की हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारी ज़ियारत कर सकते हैं। मैं हर एक वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो जिस चीज़ से लोग बाग महरूम रह जाते हैं ज़ायरीन, और मैं दिखाना चाहता हूँ ज़ायरीन ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत करें और मेरे लिए दुआ करें, और मौला मुझे ऐसे ही करबला बुलाते रहें ताकि मैं आप सबको ज़ियारत कराता रहूँ। मैं मौजीद अब्बास ज़ैदी मौजीद टीवी की जानिब से नहर फरात की ज़ियारत कराई है, और अब मैं थोड़ा आगे से दिखाने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, और उधर साइड से भी मैं इधर का एरिया दिखाऊंगा। मैं नहर फरात पे मौजीद टीवी के एडमिन मोहतरम जनाब मौजीद अब्बास साहब के साथ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, और ये और मुर्तज़ा जमाल साहब अलीगढ़ से हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। नाज़रीन, ये नहर फरात की मैंने आपको ज़ियारत करा दी है, और अब हम दूसरे मुकाम की ज़ियारत कराएंगे, और आप हमारे लिए दुआ करना। यहाँ की ज़ियारत हुई मुकम्मल, जो हमें पढ़ना था कसीदा वगैरह वो भी पढ़ लिया है, और नाज़रीन अब ये यहाँ की ज़ियारत हो गई मुकम्मल, अब हम जा रहे हैं। और मौजीद टीवी सब्सक्राइब कर देना, मौजीद अब्बास ज़ैदी आपको ये सब ज़ियारत करा रहे हैं, और दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।